उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन के राज्य आयुक्त अजीत कुमार तथा अपर आयुक्त दिव्यांगजन शैलेंद्र सोनकर द्वारा दिव्यांगजनों के समस्याओं के निस्तारण के लिए योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा गृह में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान दिव्यांगजन राज्य आयुक्त अजीत कुमार ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजनों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने दिव्यांगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना, उसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन के राज्य आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि 2016 के अधिनियम के अनुसार दिव्यांगों के शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यापक अधिकार दिया गया है। उन अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आयुक्त को महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और दिव्यांगों को न्याय मिल सके। यदि कोई दिव्यांगजन अपनी समस्या बताता है तो तत्काल उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए निर्देश दिया जाता है। यदि मामला गंभीर रहता है तो प्रकरण का सुनवाई करके आगे की कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि मौके पर ही उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके, जिससे दिव्यांगों को लखनऊ तक ना जाना पड़े। उक्त कार्यक्रम में 350 से अधिक दिव्यांगजनों की समस्याओं का राज्य आयुक्त के द्वारा कार्यवाही हेतु आदेश पारित किया गया। मोबाइल कोर्ट में ज्यादातर वाद जमीनी विवाद, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, शहरी एवं ग्रामीण आवास, रेलवे पास, आयुष्मान कार्ड एवं राशन कार्ड आदि से संबंधित थे। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोविजन अधिकारी, लीड बैंक मैनेजर एवं अन्य जिले के स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन के राज्य आयुक्त अजीत कुमार ने कहा, जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रतिनिधि श्री संदीप मौर्य सर से अनुरोध करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री संदीप मौर्य सर स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय राज्य आयुक्त सशक्तिकरण विभाग की ओर से संचालित स्पर्श राज की दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री लक्ष्मी सोनकर जी, उपायुक्त दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करेंगे। स्पर्श राज की दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज लालडी की गोरखपुरा की वो मंच पे आसीन हमारे विशिष्ट अतिथि श्री पीडी गुप्ता सर देकर श्री अभिमान पांडे सर, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित स्पर्श राज की दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज लालडी की I'm not afraid of the dark.
आपके नाम बुला रहा हूँ। यादव आप लोग टर्टल धनिया बहुत कम हो गई है और क्षमता है, किसी के पास 30 है, किसी के पास 20, कुछ जो बची है उनको विभाग द्वारा हियरिंग एड में और प्रमाण पत्र प्राप्त करिए। श्री गणेश कुमार, गणेश कुमारी प्रगति, कुमारी ज्योति, अंजू, इन प्रमाण पत्र का वितरण आदरणीय मंच पे लाइन से आइए। इन लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगजनों को बुला रहा हूं और विकास आनंद और विकास माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा दिया जाएगा। आप उधर बीच में से शिफ्ट कर दीजिए। पेंशन और प्रमाण पत्र के द्वारा दिया जा रहा है। जोरदार करतल धनिये से स्वागत करें। देखो एक्चुअली जैसे थोड़ा सा अगर विस्तार से बताएं तो 2016 का जो अधिनियम है उसमें दिव्यांगों के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक पुनर्वासन के लिए व्यापक अधिकार दिव्यांगों को प्रदान किए गए हैं और उन अधिकारों की रक्षा और उन अधिकारों को दिव्यांगों तक पहुंचाने के लिए राज्य आयुक्त को महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और उनकी उनको न्याय मिल सके। तो जहाँ तक कि आपने कहा कैसे करेंगे, तो जैसे किसी ने कोई अपनी समस्या रखी, कोई भूमि का विवाद है, कोई उसका आवास के संबंधित विवाद है, कोई उसकी अन्य छोट मतलब कि व्यवसाय संबंधित कोई ऐसी समस्या है तो उस संबंध में वो हमें बताएंगे और हम तुरंत उसको विभाग को आदेश करेंगे, संबंधित विभाग को कि इनका तुरंत निस्तारण करें। अगर मान लीजिए उस प्रकरण जटिल है तो उसको हम कुछ समय देंगे और उसको अपने साथ उसको वहाँ से फिर उसकी सुनवाई करके आगे कार्रवाई करेंगे अगर कुछ प्रकरण ऐसे हुए तो हमारा उद्देश्य इसका है कि स्थान पर ही उन समस्याओं का निदान हो जाए ताकि दिव्यांगों को लखनऊ तक ना आना पड़े और उनका समय और पैसे की उनकी बचत हो और उनको आसानी से उनके घर के पास ही ग्राम के आसपास में ही उनको न्याय मिल जाए ताकि उनको सुगमता हो और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, उनको न्याय मिल सके और सरकारी योजनाओं का जो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का उनको लाभ मिल सके जो उनके हित के लिए बनाई गई हैं।